गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी हम थोड़ी खाने पीने के लिए एक थोड़ा सा ढाबा उस पर रुके हुए हैं। बढ़िया जाता जी, कैसा लग रहा है? बस मजे आ रहे हैं। खाना भी खा लिया और खाली पेट मत रहिए। हाँ, खाना भी खा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं, आपका साथ भाई और सभी लोग। अभी हम घर से पराठा लेकर आए थे और दाल हमने यहाँ से मंगवा ली है। हाँ भाई, क्या बनाने लग रहे हो भाई? ये भाई प्रशांत भाई सबसे अलग रहते हैं दुनियादारी से। और भाई प्रशांत क्या दे रहे हो भाई? आइसक्रीम लोगे? देख लो भाई, हम सारे भाई आप खड़े हैं। प्रशांत और वो प्रशांत खान, वो प्रशांत उसको दुनिया से लेके चलना है वो। हेलो भाई, हेलो, ओए ओए। इधर कहाँ जा रहा भाई? कहाँ जा रहा है? पीछे बैठेगा, बैठ पीछे बैठ जा भाई। भाई सर बताइयो अपना, तुम पहले गंजे हो। चलो भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप बताओ मजा आ रहा है? अरे हमारे चंपक चाचा जी ये बाल कैसे कटे हुए? ये चंपक चाचा आगे तो जावे। कुलदीप भाई पीछे बोल रहा है, कुलदीप भाई बोल रहा है बीमार हो गया था, इसको थोड़ा संभालना पड़ा हमें। ये प्रशांत भाई फिर नहीं मान रहे, पहाड़ की गहराई में जाते हुए नीचे खाई में देख लो। प्रशांत भाई खा तक जाओगे बिल्कुल नीचे तो भाई। और बहन चो मैंने ध्यान दिया इस रास्ते पे, क्या ध्यान दिया जाने इस रास्ते पे? किसी का ध्यान नहीं था। बस इतना ही है,
अच्छा यहाँ पे रेज रोड से बना रखा है। आ जा भाई ऊपर, अभी बंगला का ऊपर चढ़ के आना। देख यार पानी इतना हो यार, ना बड़ा भाई बात है। ठीक ठीक ऊपर और रोड है गाड़ी बंद है। देखिए ये देखिए वो चली गई वाइट वाइट सी। अभी हम यहाँ पर रुके हैं भाइयों की फोटो खिंचवा रहे हैं। बजरंग बली फोटो खिंचवानी है भाई? हाँ जी बिल्कुल जी। आप फिर खड़े हो जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। अभी ये हनुमान जी का मंदिर है कैथी धाम से जस्ट 20-25 किलोमीटर दूर हनुमान जी का ये मंदिर पड़ता है। अभी हम यहाँ रुके हैं, यहाँ पर हनुमान जी थोड़े दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे अपना। ये हनुमान जी वाले मंदिर का भी प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट, यहाँ से बाबा अंदर जाएंगे। कल हम कैची धाम आश्रम आ चुके थे, लेकिन 7 बजे तक कपाट बंद हो जाते धाम के, तो हमने वहीं रुके। हम यहाँ पर हमने स्टे किया है, तो अब सुबह हम आ चुके हैं कैची धाम दर्शन करने। तो अब इसके बाद हम दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। अंदर कोई कैमरा कोई फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई फोटोग्राफी नहीं ले सकते, तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये सामने कैची धाम है और इसके साइड से ही सिप्रा नदी जाती है। कैची धाम और सिप्रा नदी की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार भंडारा चल रहा था, इसकी नदी की महिमा बताता हूँ मैं आपको। एक बार भंडारा चल रहा था तो फिर घी खत्म हो चुका था, तो फिर बाबा ने एक नस्त्र दिया अपने सेवकों को और बोला कि नदी से पानी ले आओ। जब तक सेवक नदी से पानी लेकर अंदर पहुँचे तो पानी घी में बदल चुका था। कैची धाम आश्रम को नीम करौली धाम भी बोलते हैं। इसका नाम कैची धाम आश्रम है और इसका नाम कैची धाम इसलिए पड़ा है, जो ये रोड आता है ये कैची की तरह कटता है, तो इसलिए इसका नाम कैची धाम भी है।
उत्तराखंड में नैनीताल जिले में कैथी धाम आश्रम पड़ता है और यहाँ पर बाबा पहली बार 1961 में आए थे और यहाँ पर आकर बाबा ने इस धाम की स्थापना की थी। अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बाबा ने कैथी धाम की स्थापना की। कैथी धाम के सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी बहुत भक्त है। कैथी धाम के बड़े बड़े भक्तों में से नाम बताता हूँ मैं आपके, स्टीव जॉब, मार्क जकरबर्ग जैसे भी इनके भक्त हैं। मार्क जकरबर्ग ने एक बार खुद अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं कैथी धाम का और कैथी धाम नीम करोली बाबा का बहुत बड़ा फैन फॉलोवर हूँ। आप भीड़ से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं और कुछ वीकेंड भी है इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ है। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर जीवन में कुछ समझ ना आ रहा हो, जीवन हताश हो, परेशान हो आप, तो सिर्फ एक बार कैथी धाम आ जाओ, यहाँ पर आकर आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, जीवन बदलने वाली ऊर्जा मिल सकती है यहाँ पर आपको। कैथी धाम आश्रम के लिए बहुत ट्रैकिंग करनी पड़ती है, बहुत टफ ट्रैकिंग है, पूरा सीधा पहाड़ उतर के नीचे जाना है, फिर नीचे से फिर वही सीधा पहाड़ ऊपर तक आना है। मेरे भाई सांस फूल गए। ये कैथी धाम आश्रम दो पहाड़ों के बीच में है। कैथी धाम आश्रम दो पहाड़ों के बीच में नीचे घाटी में इसकी स्थापना की गई है। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी और भक्त भी बताया जाता है। ये बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त थे। हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आया हूँ सत्ताल लेक। यहाँ पर बहुत सी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि बोटिंग हो गया, ये जिप लाइन हो गया और भी है बोटिंग वगैरह। तो अभी मैं करूँगा जिप लाइन, तो मैं करूँगा नहीं, मैं करूँगा कायाकिंग, ये करूँगा कायाकिंग बोट जो चप्पू मार के चलाते हैं, अभी वही करते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो जो वो चला रहे ना, अभी मैं वही चलाने वाला हूँ, मज़ा आएगा। आराम चला ले। ओ भाई प्रशांत, हेलो हेलो, कुछ बोलना भाई, आखिरी कुछ बात बोलनी तो बता दे, मैं डर लगा भाई। अरे प्रशांत घूमे गाड़ी मत घुमा भाई, ने ये गला खेल मत करे, डर लग गया है। हाँ आग मत दिखा, तू चुप रह भाई, टक्कर मत मारियो। सीधी चल, उन दूर चल, अपनी टीम वाला दूर चल, विकित है। अरे ये आ रहा हूँ वहाँ पहले भाई प्रशांत ठीक ठाक है, चला लेगा, डर खुल गया ना, तैरना आता मैंने, तनाव है तैरना, तनाव है तैरना, फिर मैंने कौन बचा होगा, राम बचा होगा मैंने, भाई राम भरोसे हूँ मैं।
उंदर ले उंदर ले उंदर ले जल्दी ले जल्दी ले ओए बहुत बढ़िया भाई अरे ले उंदर है अभी आया मैं रुको कैसे हो सर कैसा मजा आ रहा डर लग रहा है डर लग रहा है क्या हमारे भाई साहब ड्राइवर कैसे हो भूषण जी भाई तो डर है नाम भूल गया तो पड़ गया अरे अपना पत्र ले अपना पत्र ले हाँ जी हेलो अरे टेढ़ी हो यार राम सला आजा आजा यहाँ पे आओ इधर आओ हाँ इधर आ इधर ले क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये देखो भैया हम तुम्हारे चप्पू ये भारद्वाज जी हम लोग हैं लाइक और शेयर करते ना बच्चे को आपकी कृपा से आगे बढ़ेगा ये अरे हो रवि जी क्यों भेज रहे हो मेरे को भेज दिया सारे तो सारा ओ भाई टक्कर लगी रे टक्कर लगी दूर कर रहे हैं देश नो सीखी है पी रहे हैं यहाँ पी रहे दोनों भी दोनों कितनी पी रहा है ओए रेस लगाओ ओए आओ रेस लगाओ चला चला इधर ही चला हाँ भाई रेस लगाओ दे क्या हो गया आ जाओ रेस लगाओगे बढ़न लग रही है रेस लगाओगे बिट्टू भाई कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है डर नहीं लग रहा ना अब बहुत बढ़िया तो कौन सा रुके हमारा पाचे बारदा जी भाई मन लिखा चल जी तू सुंदर सुंदर चीज दिखे वाली चल समझ गया ना सुंदर मन मैंने दिख लिया कुछ दिया कितने सुंदर पहाड़ है और क्या दिखेगा और क्या देखेगा भाई चल नजारे देखते हैं आगे पहाड़ों के बच्चे भी डर रहे भाई वाह चला चप्पू पड़े जा कतर है भाई पड़ जाता है आप फाइन करके अपने ले लेंगे शायद होता होगा भाई प्री वेडिंग शूट अरे चल वहां दे सही है बीजे जा बहुत सही चला रहा बहुत बढ़िया चला बहुत बढ़िया तू तो ठीक है अरे बहुत सही स्पीड है सर तो तेज माई चल रहा है अरे यू के गया ले आओ ले आओ डरो मत डूबो गए मैं बचा लूंगा अरे नहीं हम डरते नहीं है ये भैया की जैकेट पहन रखी है भैया की रेस लगाओ रेस लगाओ आ जाओ चला रे आओ भाई रेस लगा लो आ जाओ लगा तू देख की लागी आ जा लगा रेस ओ भाई सुने नु मत टक्कर मारे चल चीटिंग मत करे बहुत बढ़िया आए टाटा कड़ के हम देख ले
हाँ भाई रेस लगा रहे थे, कहाँ गए? हेलो, अरे उड़ल 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 ले उड़े सामी, देख मेरे आगे टक्कर मत मारा, बस की गए डूब डूब डाब गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। और ताऊ दूर ले, ताऊ दूर ले, ताऊ दूर ले, ताऊ को मजे, ताऊ को मजे ले गए। सुन रहे देर मत, चल भाई ताऊ दूर ले भाई, ताऊ राम राम, ठीक हो? स्वाद आ रहे हैं? सुन रहा भाई, टक्कर मार देगा फाइन हो जाएगा। मार दे भाई टक्कर। प्रशांत भाई, प्रशांत बोट में पानी आ गया, आ गया पानी, बाहर काढ़ी ने डूब जाएंगे, पानी बाहर काट दे, बाहर काट दूंगा भाई, छेद करूं मैं नीचे, छेद मत कर, हाथ मार, हाथ तक काट दे, छेद कर मैं फिर, और पानी नहीं आऊंगा बोट में, गधा तू यार, हट कुछ भी क्या दे यार, मन ना क्यों बाड़ा, मैं क्या रहे बढ़िया चप्पू चलाऊ यार, मैं तेरी मस्त चलाने ला रहा, प्रशांत यार क्या बढ़िया जाली, चल इतनी बड़ी झील होए पाछे तू आड़ा अनाल ला रहा है, दो जगह है सेक्सी बॉय तू ये, हां मैं